तेरा नाम क्या तुम्हारा? वेदल कहते हैं मुझे। कौन कहते हैं? मेरे मम्मी डैडी कहते हैं और कौन कहते हैं? अच्छा वीरू ये बात बताओ, कहीं भैया आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? मान लो किसी बिल्डिंग में आग लग गई, तुम क्या करोगे? मैं फूंक मारूंगा और आग बुझाएगी। तुम्हारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्या? मेरे हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अरे भैया बताओ कि आग कहीं लग जाए तो तुम क्या करोगे? मैं कुत्तों का खून पी जाऊंगा जिन्होंने आग लगाई। कहता आप किसी कुत्ते ने लगाई, किसी ने जलती हुई बीड़ी फेंक दी समझे, उससे आग लग गई। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाला, ये तुम क्या करोगे? जेलर साहब, ये जो बिल्डिंग होती है ना, ये हमारी माँ होती है। माँ और मोहल्ला तुम्हारा बाप होता है। चलिए यहां से आप बसंती फायर ब्रिगेड वालों के सामने मत नाचना। इतना कहकर वो चले गए। जो जो नेक्स्ट कैंडिडेट आए फायर ब्रिगेड इंटरव्यू देने के लिए, उनके ऊपर आमिर खान साहब का असर था। अरे भैया बताओ आग लग जाए तो क्या करोगे? करोगे? मैं गीता और बबीता को बेचूंगा क्योंकि वो दंगल कर सकती, तो आके भी जा सकती है। अरे भैया लेकिन इंटरव्यू देने तो तुम आए हो, तुम जाओ। हमारी छोरियां चोरों से कम में गए, उनको भेजूंगा। आप यहां से चले चले अपने लिए। जो नेक्स्ट कैंडिडेट आए उनके ऊपर अजय देवगन साहब का सकता। बताओ भैया आप कैसे बजाओगे? मैं यहां पे आपको चाहने नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ बेबिक्री करने के लिए आया हूं। चलो कोई बात नहीं। जो नेक्स्ट कैंडिडेट आए, अब असत्य जितने मर्जी कर लो ठीक है, उनके पे शाहरुख खान साहब का सर। अरे भैया बोलो नाम क्या है तुम्हारा? राजा। राजा बन गया जेंटलमैन। राजा यहाँ पे जेंटलमैन नहीं फायरमैन के इंटरव्यू चल रहे हैं। ये बताओ कहीं आग लगे तुम क्या करोगे? मैं हंसते निकालो। मेरी माँ कहा करती थी, मेरी माँ कहा करती थी कहीं भी आ गए तो उसमें कूद जाना।
जवाब ना पाया आज क्या आज क्या डक चक है आम उसको मैं बजाऊंगा सबसे पहले मैं साड़े खींचूंगा अरे भैया इससे कैसे आग बुझेगी सारे अलमारी में से खींच कर जिसके ऊपर आग लग गया उसके ऊपर डाल दूंगा आग आग बिल्डिंग में लगी है आओ क्या क्या चले गए अच्छा नेक्स्ट कैंडिडेट जो आए उनके ऊपर बच्चन साहब का सर था Thank you so much. And thanks again.